दोस्तों, रशिया के अंदर एक आर्मी एक्सपो हुआ था जिसके अंदर अलग अलग टाइप के वेपन गैजेट्स वगैरह दिखाए गए थे, जहां पर एक रोबोटिक डॉग भी दिखाया गया ग्रेनेड लॉन्चर के साथ में, जिसके कमर पे ये लगा रखा था। हालांकि ये पहले बताया जा रहा था कि रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन उसको सोचने में ही अजीब लग रहा था कि अगर ये रॉकेट लॉन्चर है तो मतलब इसका रिकॉयल इसको कहाँ फेंकेगा ले जाके, कम से कम 25 फुट दूर जाके गिरेगा अगर इसने रॉकेट लॉन्चर चला दिया। फिर मालूम चलता है कि इसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर है जिसका इतना ज्यादा होता नहीं है। खैर, इसके कंधों पे कुछ भी रखा जा सकता है, शूटिंग के लिए कोई गन रख दो, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई वेपन रख दो, या फिर कोई सप्लाई वप्लाई रख दो जो कि ये फ्रंट लाइन सोल्जर तक पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस कर रहा है रशिया की आर्मी को। दोस्तों, रशिया के 2 कॉस्मोनॉट स्पेस वॉक करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर गए थे। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी गार्डन में घूमने वाली वॉक करने के लिए वो गए थे, कुछ रिपेयरिंग का काम हो जाता है तो उसी के लिए उनको बाहर जाना पड़ा था, जहां पर एक कॉस्मोनॉट के साथ में कुछ मेलफंक्शन हो गए उसके स्पेस सूट के अंदर। दरअसल एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन हाँ, इशू कुछ बैटरी का था, वो फ्लक्चुएशन हो रही थी, तो बैटरी में शायद उतनी ज़्यादा पावर नहीं रही होगी, तो उसको तुरंत ही वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाना पड़ गया। हालांकि कोई भी डेंजर में नहीं था, कॉस्मोनॉट जो दूसरे वाला था वो पूरे 1 घंटे तक बाहर रहा है, अपना जो पूरा काम है वो करने के बाद में वो वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर गया है। लेकिन स्पेस सूट, अब आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला भी देखा होगा, उसमें भी कुछ दिक्कत आई थी, तो नेक्स्ट जनरेशन वाले स्पेस सूट आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, इंडिया के अंदर रॉयल एनफील्ड बाइक लोग इस वजह से लेते हैं कि वो दूसरी बाइकों से हटकर होती है और उसका साउंड भी बिल्कुल ही हटकर होता है दूसरी बाइकों के मुकाबले में। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भैया रॉयल एनफील्ड भी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने जा रहा है, तो क्या आप इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाओगे? आप कहोगे यार वो एग्जॉस्ट का साउंड नहीं मिलेगा फिर उससे हमको। अब यही सेम चीज़ हो रही है आजकल कार्स के अंदर कि भाई इलेक्ट्रिक कार आ तो रही है लेकिन उसमें एग्जॉस्ट साउंड नहीं। अब आप कहोगे भाई नॉर्मल कारों में तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन जो मसल कारें होती हैं, जो भारी भरकम कारें होती हैं, जो लोग लेते ही उनके साउंड के लिए हैं, अब उनमें अगर साउंड नहीं मिलेगा तो क्या ही होगा। अब इसी तरीके से एक कंपनी है अमेरिका के अंदर, डॉज, जो कि चार्जर बनाती है, मसल कार ही है ये, उसके अंदर जो एग्जॉस्ट साउंड था वो मिस ना करे लोग, तो इन्होंने उसके अंदर एग्जॉस्ट भी लगाया। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एग्जॉस्ट का क्या काम, वही हम सब भी कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस एग्जॉस्ट से वो साउंड निकालने के लिए जो मसल कारों में होता है V8 इंजन या दूसरे इंजनों वाला साउंड होता है, वही निकालने के लिए लगाया, जो कि साउंड को इमिटेट कर रहा है, वो भी 126 dB तक। तो ये एक रहस्यमय बात लग रही है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एग्जॉस्ट लगा के साउंड कैसे प्रोड्यूस कर डाला। स्पीकर तो नहीं है बेशक से। दोस्तों, आसमान से कई चीज़ें गिरती हुई देखी गई हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल बात करें तो ओले, बर्फ़ के ओले पड़ ही जाते हैं कभी ना कभी, मतलब साल में 1-2 बार ऐसा हो ही जाता है। लेकिन बड़ा ओला अगर किसी के सर पर गिर जाए तो शायद उसकी जान को बन सकती है, जो कि कारों के शीशे तक तोड़ देते हैं। लेकिन 35,000 फीट की ऊँचाई से अगर कोई प्लेन का टुकड़ा गिर जाए, और प्लेन तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम होता ही है और उसका छोटे से छोटा हिस्सा भी 3-4 किलो का होगा, और वही सेम चीज़ हुई। दरअसल एक सिलेंड्रिकल पीस मेटल का गिरा है प्लेन से निकलकर, जहां पर ये US के अंदर गिरा है, जिसमें एक बंदा था जो कि मैथ्यू नाम का था, वो US का कॉप है, वो कॉल पर बात कर रहा था और उससे सिर्फ 6 फीट की दूरी पर ही ये टुकड़ा गिरा, और ये करीबन 3-4 किलो का रहा होगा, और जहाँ पर गिरा वहाँ पर भी खड्डा कर दिया, और अगर इसके सर पे गलती से गिर जाता तो शायद ये ज़िंदा भी नहीं बचता। अब ये देखने वाली बात हो रही है कि ये किस प्लेन का टुकड़ा गिरा था, क्योंकि सारे प्लेन उस दिन सेफली लैंड किए थे US के एयरपोर्ट्स पे। दोस्तों, एडिडास ने अनवील कर दिया एक सोलर पावर्ड हेडफोन, जो कि इस तरीके का है, इसके अंदर बैटरी की कभी भी आपको कमी नहीं रहेगी, मतलब कि जब तक जादू को धूप मिलती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, और अगर चलो धूप नहीं भी मिलती है तो भी 80 घंटे तक चल जाएगा, इतनी बैटरी इसके अंदर रहेगी स्टोर्ड। लेकिन हाँ, जब धूप रहेगी तब तो आपके मज़े ही मज़े हैं, इसे कहीं भी लेके चले जाओ आपको हमेशा गाना सुनता हुआ मिल सकता है, क्योंकि बैटरी नहीं जाने वाली इसकी। इसकी कॉस्ट है 18,322 रुपये। इसके अंदर एक्सीजर पावर फॉइल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो मतलब इसका फ्रेम है ना, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके चार्ज करता है इसकी बैटरी को।
अब यहीं पर अगर हम सोलर पावर्ड हेडफोन की बात कर रहे हैं तो सोलर पैनल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा इनोवेशन भी कर दिया है कि अब कलरफुल सोलर पैनल भी आप लगा सकते हो। लेकिन ब्लैक सोलर पैनल का क्या रहता है कि उसकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी रहती है अगर वो साफ रहता है, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं रहेगा। इनकी एफिशिएंसी करीबन 22-23% तक कम रहेगी ब्लैक वाले सोलर पैनल के मुकाबले। तो अगर किसी को कलर वाला टंटा चाहिए तो भैया उसकी एफिशिएंसी भी फिर उसी हिसाब से कम रहने वाली। दोस्तों दिल्ली के रेड लाइट सिग्नल से कुछ ऐसी पिक्चर मिली है, ऋतिक रोशन की नहीं, आदित्य रॉय कपूर की नहीं, ये भिखारी है भाई दिल्ली का, जो लग कुछ हीरो की तरह रहा है और इसी वजह से इंटरनेट पे इस वक्त में वायरल चल रहा है। ट्विटर के ऊपर शेयर करी थी किसी ने इमेज। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल के आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग 7 सितंबर को हो सकती है, तो शायद किडनी डोनेट करने की डेट उससे पहले अनाउंस हो जाएगी। वैसे तो सब दे चुके हैं पहले ही, इतने फोन आए हैं।